इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेक्शन 184 हो चुका है, सेक्शन 185 हो गया, सेक्शन 164 भी हो गया था डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 167, हेडिंग बताओ, वेकेशन ऑफ ऑफिस। कान खोल के अच्छे से सुनो, ऑफिस को वेकेट कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे, खाली कर रहे। ऑफिस कब कब खाली करना पड़ेगा? अभी जब हमने लास्ट क्लास में 164 पढ़ा था, 164 क्या बोल रहा था? डिस्क्वालिफाइड। इंडिविजुअल तुरंत छोड़ देगा, डिस्क्वालिफाइड है। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो डिस्क्वालिफाइड हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑफिस में तो छोड़ना पड़ रहा है? तो यहां पे जितनी भी बातें होंगी काफी हद तक रिपीटेशन आपको मिलेगा, कब कब आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया 164 में जितनी भी बातें पढ़ी हैं, आप जैसे डिस्क्वालिफाइड होते हो तो सबसे पहले स्टेप क्या, डिस्क्वालिफाइड हो गए, खाली करो अपना ऑफिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है, डिस्क्वालिफिकेशन के जो पूरी लिस्ट है सेक्शन 164 में, आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, एब्सेंट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरली कंपनीज एक्ट साफ साफ बोलता है कि भैया एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में कितनी बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए? चार। अब ये चार बोर्ड मीटिंग किसको अटेंड करनी होती है बच्चा? डायरेक्टर्स को। इन्होंने कहा ऑल मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेल्ड ड्यूरिंग द 12 months, पिछले 12 महीने में जितनी भी मीटिंग हुई है without seeking leave of the absence of the board। इन्होंने क्या बोल दिया? भाई आपने मीटिंग ही नहीं अटेंड करी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अपना काम अच्छे से करो, समय समय पे मीटिंग करते रहो, क्योंकि मीटिंग होगी, डिस्कशन होंगे, डिस्कशन होगा तो कंपनी हमारी अच्छे से चलेगी। अब इस नलायक डायरेक्टर ने क्या किया? कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, सारी मीटिंग में एबसेंट है। उन्होंने बोला विथ और विदाउट क्या लिखा बच्चा? लीव ऑफ द एबसेंस, मतलब लीव मतलब छुट्टी। ठीक है, छुट्टी की परमिशन। चाहे उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया था कि मैं छुट्टी में हूं, चाहे नहीं बोला, इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप एब्सेंट हो। अगर आप कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हो तो आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंट किया है, सेक्शन किसका? 184 क्या था? पढ़ाए ना अभी, डिस्क्लोजर्स। हर डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। He act in the contravention of the provision of section 184 to entering into contract. Entry into contract disclosure दो टाइप के थे, एक था जनरल, दूसरा था स्पेसिफिक। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो स्पेसिफिक आ जाता है। आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, हमने तो पढ़ा था वहां पे जेल भी जा रहा था डायरेक्टर। ठीक है, फेल टू डिस्क्लोज इज इंटरेस्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 184। सी और डी में डिफरेंस बताओ, पढ़ो रीड करो अच्छे से, बताओ डिफरेंस ना। अच्छा, सेक्शन 184 पढ़ा है ना, सेक्शन 184 कितना इंटरेस्टिंग था ना, मजा आया ना तुम लोगों को पढ़ने में, हाँ ना। जिन बच्चे से छूटा रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाओ। 184 का 1 क्या बोलता है? जनरल डिस्क्लोजर। 184 का 2 क्या बोलता है? स्पेसिफिक। 3 क्या बोलता है? वॉइडेबल। 4 क्या बोलता है? एक्सेप्शन। फिर हमने क्या पढ़ी? पेनल्टी, जिसने नहीं दिया पेनल्टी, यही था। इन्होंने बोला इफ ही हैड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, इन्होंने बोला पूरा प्रोविजन। अब प्रोविजन में तो बहुत सारी बातें थी ना, पूरा का पूरा प्रोविजन ऑफ द कंपनीज, सॉरी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 184 का रिलेटिंग टू एंटर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हो? एंटर होते। इन्होंने बोला पूरा प्रोविजन 184 का, स्पेसिफिक उन्होंने डाल दिया। फिर कौन सा वाला बोल दिया? 184 का कौन सा बोल दिया? 2 ही बोल दिया ना। सेक्शन 184 का स्पेसिफिक, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, आपने ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या था बच्चा? इंटरेस्टेड था, वो इंटरेस्टेड था, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, यही है। इफ ही फेल टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कह रहे? दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों 184 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखो, यहां बोला है एंटरिंग इंटू कॉन्ट्रैक्ट। एंटरिंग इंटू कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हो? जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, या फिर क्या बोल दिया? एनी कॉन्ट्रैक्ट, समझो यही है डिफरेंस, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीज तो सेम ही है। आपको नॉर्मली, अब थोड़ी सी डिटेलिंग में जाओ, उस डिटेलिंग में क्या था? सबसेक्शन 2 में ही रहो, सबसेक्शन 2 में क्या बोल रखा था? जब आप एंटर करोगे तुरंत मीटिंग में बता देना था ना। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब हम रिस्पॉन्स, तब हम, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद भी तो आ जाता था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बताने की। तो ये क्या है? बाद वाली है, बात समझ में आई? आ जाओ,
वापस आते हैं। सेक्शन कौन सा? 184 का सबसेक्शन 2। इंटरेस्ट है तो बताने का। डायरेक्टर इंटरेस्टेड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने क्या बोल दिया? डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट व्हेन ही बिकम इंटरेस्टेड। जब भी इंटरेस्टेड उसके बाद बताओ ना, तो कह रहे एंटरिंग करते वक्त इंटरेस्टेड है तो फेल हो गए, या फिर उस टाइम पे नहीं था। बाद में कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो आपने नहीं बताया। दोनों में अब डिफरेंस समझ में आ रहा है पक्का? चलो वो नहीं समझाऊंगी, वो बाकी बच्चे देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है? पनिशमेंट। चलिए, ही इज बिकम क्या लिखा है? डिस्क्वालिफाइड। किसने कर दिया है? कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने। देखो आज के टाइम पे ट्रिब्यूनल बस एग्जिस्ट करता है, लेकिन पुराने जमाने में कभी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया होगा तो वो भी है, इसीलिए लोग बार बार लिखते हैं, आपको भी लिखना पड़ेगा। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, क्या लिखा है? मॉरल टर्पिट्यूड, बोले तो अनएथिकल एक्ट अदरवाइज, या फिर या तो मॉरल टर्पिट्यूड है या फिर नहीं है, उसके अलावा दूसरे। सेंटेंस मतलब क्या बताया था? पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन, क्या याद आ रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन। ऊपर उन्होंने क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट बोल दिया भैया डिस्क्वालिफिकेशन की सारी बातें, फिर उन्होंने यहां पे क्या कर दी? रिपीट। इन्होंने बोला प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस इज नॉट वैकेंट, इसी एफ पॉइंट की बात हो रही है, 6 महीने की जेल। इन्होंने कहा कि आपको हम क्या नहीं करेंगे, ऑफिस तुरंत नहीं छोड़ना आपको। आपको बोल दिया ऑफिस इज नॉट वैकेंट बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ द, इन केस ऑफ द, अच्छा ये ईव की बात कर रहा है, एफ की बात नहीं कर रहा, ई एफ दोनों की बात कर रहा है। ई और एफ, ई में क्या था? कोर्टर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, और एफ में क्या था बच्चा? मॉरल टर्पिट्यूड में 6 साल के लिए जेल गए। इन्होंने कहा तुरंत मत छोड़ो, फॉर द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्टेड या ऑर्डर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। कितने दिन के अंदर? 30 डेज, 30 डेज का ड्यूरेशन। वेयर एन अपील, आपने क्या कर दी बच्चा? अपील कर दी है। आपने क्या कर दिया है? अपील। आप कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं हो, ई वाले पॉइंट में कोर्ट का ऑर्डर आया था कि भैया खाली करो, आप उनके ऑर्डर से खुश नहीं हो, या फिर क्या बोल दिया? 6 महीने की जेल। अब 6 महीने की जेल आपको होने वाली, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा तुरंत मत छोड़ो, फॉर दी 30 डेज, जब भी ऑर्डर पाए 30 दिन के लिए अभी आप हो, ऑफिस तुरंत खाली नहीं करना, आज ऑर्डर है तुरंत मत खोलो, 30 दिन तक रुके रहो। अब इन 30 दिनों में आपको क्या करना है? आप चाहो तो क्या कर सकते हो? अपील, अपील पिटीशन प्रेफर विद इन 30 डेज ऑफ दी एफोर्सेड अगेंस्ट दी कन्विक्शन, जब भी वो ऑर्डर आया 30 दिन तक आप कंपनी में भी डायरेक्टर हो, और इन 30 दिनों में आप क्या कर रहे हो साथ में? अपील कर दोगे। अपील आपने कर दी, जब भी आपने अपील करी, एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, 7 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपील डिस्पोज, मतलब आपने इन 30 दिनों में अपील करी। अब जब आपने अपील करी, इसका डिस्कशन ओवर हो गया, एनसीएलटी ने खत्म कर दिया, वहां से कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर फिर से फर्दर क्या कर दिया? अपील। हो सकता है आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आया हो, आप खुश नहीं हो, आपको बोल दिया नहीं आप डिस्क्वालिफाइड ही रहोगे, तो उन्होंने कहा कि फर्दर हमने दोबारा से अपील कर दी विद इन 7 डेज अंटिल सच फर्दर अपील डिस्पोज ऑफ। इन्होंने कहा कि भाई आप तब तक के लिए ऑफिस छोड़ने वाले नहीं हो, वापस 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 वापस, मैं डिस्क्वालिफाइड हो गई बाय द कोर्ट, तुरंत ऑफिस नहीं छोड़ना है, नॉट वैकेंट, खाली नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है मुझ पे जो है ना एलिगेशंस लगे वो सही ना हो, तो मुझे एक मौका मिलता है अपील करने का। उन्होंने कहा 30 दिन तक कंपनी में बने रहो, और इन्हीं 30 दिनों में क्या करोगे? पिटीशन फाइल करोगे, अपील फाइल करोगे। क्लियर है? मैं 1 जनवरी से 30 जनवरी तक मेरे पास टाइम है अपील करने का, क्लियर है? मैंने 20 जनवरी को अपील कर दी, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, 30 दिन का टाइम है तो कभी भी करो ना इन 30 दिनों। मैंने 20 जनवरी को अपील कर दिया, क्लियर है? जैसे 20 तारीख को मैंने क्या करी? अपील। तो उन्होंने कहा अपील किया, अब ये केस चला 20 को चला, 21 को चला, 22 जितना दिन चला वो चला, डिस्पोज ऑफ हो गया, ठीक है? 25 को ये केस खत्म होता है, कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया, 20 को मैंने अप्लाई किया था, 25 को ऑर्डर आ गया, डिस्पोज हो गया मतलब खत्म हो गया। अब यहां से कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। यहां से कितने दिन के अंदर? 7 दिन। 7 दिन क्या हो जाएगा? 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख, फरवरी, 1 फरवरी। क्या विद इन 7 डेज हो रहे हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं एक्सपायरी ऑफ द 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपील। अब ये जो 7 दिन है, 7 दिन तक भी आप कंपनी में बने हुए हो, क्योंकि इन 7 दिनों में फिर से आप क्या कर रहे हो? सेकेंड अपील कर रहे हो, सेकेंड अपील। एनसीएलटी से खुश नहीं होते तो कहां जाने का? एनसीएलटी, एनसीएलटी से कहां नहीं खुशी होते तो कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि हमने आपको एक और फर्दर अपील अलाउ कर दिया। वो फर्दर अपील आपको कब मिल रही है? वही 7 डेज फर्दर,
अब मैं एक बार रीड करूं सेकंड लास्ट वाला, फर्स्ट और सेकंड पहले बताओ, समझ में आया? फर्स्ट सेकंड समझ में आया, थर्ड रीड करिए। वेयर फर्दर अपील पिटीशन प्रिफर अगेंस्ट द ऑर्डर सेंटेंस जो हुआ था विद इन 7 डेज अंटिल सच फर्दर अपील पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ। इन शॉर्ट, जब तक ऑर्डर पास होता है उसके बाद भी आपको उन्होंने 7 दिन का टाइम दे रखा है, उसके बाद ऑफिस खाली करना जब एकदम क्लियर कट हो जाए। क्लियर है बेटा? कहां पे लिखा है 30 डेज? और यहां ये 30 डेज की बात हो रही है, 30 डेज एफोर्सेड अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन द सेंटेंस जो भी है और द ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पे खत्म होता है ये। उन्होंने कहा कि जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है या फिर ऑर्डर, ठीक है, तो सेंटेंस ऑर्डर की बात हो रही है। क्लियर है बच्चा? तो यहां पे उन्होंने कहा ए बी सी डी, इनमें आप तुरंत खाली कर रहे हो, ई और एफ में आपको टाइम दिया जा रहा है, अपील करते वक्त भी आप खाली नहीं करोगे ऑफिस। क्लियर है? अभी ई एफ के बाद जी, ही रिमूव, क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, एक रेजिग्नेशन का पढ़ोगे और एक टॉपिक पढ़ोगे, क्या बच्चा, रिमूवल। रेजिग्नेशन रिमूवल में डिफरेंस होता है। रेजिग्नेशन मतलब डायरेक्टर ने खुद छोड़ा, रिमूव करना मतलब कंपनी ने छुड़वा दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने रिमूव कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा ना ऑफिस। हमारी हेडिंग है कब कब ऑफिस खाली करना है, तो जब कंपनी निकाल देगी तो ऑफिस खाली करना है। नेक्स्ट, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग, एक लिमिट तक मैं किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप में रह सकती हूं। मान लो मेरी कंपनी, मुझे एक बार में कितनी कंपनी में मैं हो सकती हूं, 10 कंपनी। मुझे एक ऑफर आता है 11वीं कंपनी का, तो मैं ले नहीं सकती। अगर मैंने मान लो ले लिया तो मुझे कोई एक छोड़नी पड़ेगी ना, या तो पुरानी 10 में से कोई एक छोड़ दूं, या तो ये नई वाली को छोड़ दो, ये हमारे ऊपर ऑप्शन होता है। तो एक लिमिट के बाद आप नहीं करोगे, आपको फिर छोड़ना पड़ जाएगा लिमिट अगर वो क्रॉस करते। बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफ हिज अदर एम्प्लॉयमेंट इन द होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट सीज टू होल्ड सच ऑफिस, तो फिर आपको ऑफिस छोड़ना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्टरशिप। क्लैरिटी है? टोटल कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट। वापस पहला पॉइंट क्या बोलता है, कब खाली करना पड़ेगा, जैसे ही 164 की पूरी डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया, एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करे। नेक्स्ट, 184 का जब कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तब नहीं बताया, या फिर बाद में कभी भी बताना था तब नहीं बताया। कोर्ट ने और एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, या फिर 6 महीने वाली बात जो ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन में, अलग से बताने का पर्पज यही था कि 30 दिन तक आप बचे हुए हो, जब तक डिस्पोज ऑफ हो रहा है तब भी आप बचे हुए हो, 7 दिन के बाद फर्दर अपील तक तब भी आप बचे हुए, मतलब खाली नहीं किया, उसके बाद आप खाली करोगे। एडिन खाली करना है लेकिन कुछ एक टाइम के बाद। क्लियर है? या फिर रिमूव कर दिया, कंपनी ने भगा दिया तो खाली करना है, या फिर बिकॉज ऑफ आपकी होल्डिंग ओवर हो गई है इस कारण से आपको छोड़ना पड़ जाएगा। क्लैरिटी है? ऑल द डायरेक्टर्स वेकेट देयर ऑफिस अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी इन्होंने बता के रखा है सेक्शन सबसेक्शन 1 में, द प्रमोटर एंड हिज एबसेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अपॉइंट। सारे के सारे डायरेक्टर ने छोड़ दिया, सारे डायरेक्टर ने क्या कर दिया, ऑफिस खाली कर दिया है। तो बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया, कौन अपॉइंट करेगा? पहले उन्होंने प्रेफरेंस दिया किसको, प्रमोटर को। प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे डायरेक्टर ने ऑफिस खाली कर दिया, रॉकी सर, मैंने, अभिषेक सर, सबने खाली कर दिया, तो पहला कौन करेगा, कंपनी का प्रमोटर। यहां पर डायरेक्टरशिप में किसी को बैठाएगा। क्लियर है? मान लो वो नहीं अवेलेबल तो फिर कौन करेगा, सीजी अपॉइंट करेगा। टिल वो जो डायरेक्टर जिन्हें सीजी अपॉइंट करेगा वो तब तक के लिए अपॉइंट होंगे जब तक जनरल मीटिंग में दूसरे डायरेक्टर नहीं आ जाते। क्लियर है? नहीं, ये सभी के लिए। वैसे यहां पे इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, ये दोनों पे एप्लीकेबल है। एक्चुअली में रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ठीक है, किसी कंपनी को खत्म डायरेक्टर नहीं हो तो कंपनी नहीं चल पाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट हमेशा बचाए रखने के लिए सीजी बहुत सारे स्टेप्स लेता है, इवन प्राइवेट भी, ठीक है, लेकिन प्रमोटर होगा। प्राइवेट कंपनी में हक जताने वाले लोग जल्दी आ जाते हैं कि भाई ये खत्म हो गया तो चलो हम आ जाते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, स्टिल अगर कुछ नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनी विच इज, क्यों बोला नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, क्योंकि वो पब्लिक ही हो जाती है। मे बाय इट्स आर्टिकल क्या लिखा, वो चाहे तो और एडिशनल बातें ऐड कर देगा कि कब कब और खाली करेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन को भी लेकर था। ठीक है, ऑन द जैसे ऑफिस खाली होगा DIR 12 एक फॉर्म भरना पड़ता है आरओसी के पास। इफ पर्सन फंक्शन एज अ डायरेक्टर इवन व्हेन ही इज नो, समझना, एक डायरेक्टर था नालायक, डिस्क्वालिफाइड था, कायदे से उसे क्या करना है, ऑफिस खाली कर देना है।
उसे सब पता था कि वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, लेकिन स्टिल उसने ऑफिस खाली नहीं किया. पनिशमेंट लग जाएगी विच इज नॉट लेस देन 1 लाख बट मे बी एक्सटेंड 5 लाख्स. ठीक है, चलो एक केस है बच्चा. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी. ये कैटेगरी थी. 14 स्पेसिफिकली क्या बोलता था? फोर्टीन टू 19 राइट टू इक्वालिटी था. आपने तो हेडिंग बता दी मुझे. 14 स्पेसिफिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करता था. हेडिंग याद है? बिफोर लॉ. वेरी गुड, प्रोटेक्शन है ना, लंबा चौड़ा नाम था. चलो इन शॉर्ट सब बराबर है, सब बराबर है ना. चलो आओ इधर. चलो एक्चुअली कुछ नहीं, इसका रेफरेंस देके उन्होंने बस बोल रखा है कि भाई कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब में इक्वालिटी रखी जाएगी, उस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे, बस यही कंक्लूजन और कुछ नहीं है. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है. सब बराबर है. प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चा यही होता है, इतने अब जनरल बता रही हूँ है ना, इतने अप्स डाउन होते हैं कि आपको लगेगा आपका सीनियर भी आपके साथ बैठा है या फिर जूनियर सीनियर के साथ बैठा है. वो प्रोफेशनल पहुंच जाएगा, कोई एग्जीक्यूटिव में रह जाएगा, ऐसे बहुत अप्स डाउन होते हैं. सब बराबर हो जाते हैं लेवल में आके. ठीक है, वापस आओ. अजीब अजीब सी बातें. हेडिंग बताओ क्या लिखा है. रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर. कौन किसको निकाल रहा है? डायरेक्टर अपने आप को निकाल रहा है, मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना. कुछ नहीं, प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस. अगर आपको किसी कंपनी में काम नहीं करना है एज अ डायरेक्टर तो क्या दोगे? सबसे पहले नोटिस, रीजन बताओगे, मन नहीं लग रहा, मम्मी की याद आ रही है, घर वापस जाना है, रीजन बताने का. ठीक है, जैसे ही बोर्ड को ये मिलेगा वो आपको मनाएगा, अरे ठीक है यार, नॉर्मल है यार, पहली बार घर से बाहर निकलो इसीलिए मम्मा की याद आ रही है, थोड़े दिन बैठ के तो देखो अच्छा लगेगा, तो आपको पूरा कन्विंस करने का ट्राई कर. लेकिन आप तो बिल्कुल सख्त हो है ना, आगे नहीं बोलूंगी है ना, तो तुम लोग नहीं मानोगे, नहीं हमें तो छोड़ना है. तो कंपनी विद इन कितने दिन के? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस इंटीमेट करेगी किसको? आरओसी को, कि हमारे ये डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है. फॉर्म का नाम होता है DIR-12. अब मेरी बात समझ जाए, DIR-12 ना अपॉइंटमेंट को भी लेकर होता है, रिमूवल को भी लेकर होता है, रेजिग्नेशन को भी लेकर होता है. ये एक ऑलराउंडर फॉर्म होता है. ठीक, चलो साथ में वेबसाइट में भी पोस्ट कर दो. क्या लिखोगे उसमें? कि हमारा ये डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं. दी बोर्ड शेल फैक्ट, ये वाली बातें अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखेंगे. डायरेक्टर में विद इन 30 डेज फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन किसको फॉरवर्ड करेंगे? यार ये वाली थर्ड और जो ये फिफ्थ है, मुझे डिफरेंस बताओ. एक जगह फॉर्म है DIR-12, समझो एक जगह फॉर्म है DIR-12 और एक जगह फॉर्म है DIR-11. दोनों में कुछ एक डिफरेंस है, देख तो पढ़ के समझ में आता कि नहीं आता. गुड, वेरी गुड. कंपनी फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रार को बताएगी, डायरेक्टर फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रार. ढूंढ लूं कहां है भाई. ठीक है, ये रहा, रजिस्ट्रार को बताएगी. इन्होंने कहा कंपनी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब डायरेक्टर ने आपको बताया तो DIR-12 दो, और डायरेक्टर तुम्हारी भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर्म बदलो DIR-11 और आप खुद से बताओगे कि मैं इस कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं. तो दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर है? चलो अब जो रेजिग्नेशन है शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट. आपने एक नोटिस दिया जिसमें लिखा मैं इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, या तो आपने डेट बता दी है इतनी तारीख से मैं नहीं आऊंगा, आपने सितंबर के मिड में बोला कि मैं अक्टूबर से अब नहीं आऊंगा, या फिर और द डेट्स सॉरी डेट जिस दिन नोटिस मिला या फिर नोटिस में जो डेट स्पेसिफाई है, आज हमने दिया तो आज ही से इफेक्टिव हो जाएगा, या फिर नोटिस में स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई मैं दिसंबर से नहीं आऊंगा, जनवरी से नहीं आऊंगा, अभी जो मेरे काम है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसे खत्म करके जाऊंगी. क्लियर है बच्चा? चलो व्हेन ऑल द डायरेक्टर रिजाइन, एक ही बार में सभी ने रिजाइन कर दिया, तो सेक्शन 167 क्या था? 167 सारे डायरेक्टर जब एक बार में छोड़ के जा रहे थे, विकेट हो रहा था, तो प्रमोटर अवेलेबल नहीं था, तो फिर सीजी जिनको अपॉइंट करेगा वो कुछ एक टाइम तक बने रहेंगे. कितने टाइम तक? जब तक जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अलग से लोगों को अपॉइंट नहीं कर देते एज अ डायरेक्टर. क्लियर है? सेम बातें. क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये डायरेक्टर खुद से रिजाइन करके गए हैं ना, हमें डाउट है कुछ लफड़ा तो नहीं कर गए हैं,
वो डायरेक्टर जो छोड़कर गए हैं लाइबल इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफेंस अकर ड्यूरिंग हिज टेनर. अभी तो पता नहीं चल रहा है, बाद में अगर कोई फाइल खुलती है पता चलता है तो ये उस चीज के लिए हमेशा लाइबल रहेंगे, नए वाले थोड़ा ना लाइबल रहेंगे. क्लियर है बच्चा? चलिए, एनसीएलटी ने डिसमिस कर दिया था. हुआ क्या? फेल टू प्रूव. आप नहीं प्रूव कर पाए कि जो रेजिग्नेशन लेटर है ये क्या है, फॉर्ज है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेजिग्नेशन दिया, समझना पूरी स्टोरी तो उन्होंने बताई है नहीं. मैंने रेजिग्नेशन दिया, मैंने खुद नहीं दिया, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर दिया, मुझे नहीं करना, ठीक है. कंपनी ने मुझे निकाल भी दिया, बाद में आकर मैं क्या बोलती हूँ, हाँ ये तो मैंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, किसी और ने साइन करके ये आप तक पहुंचाया है. क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, ना चलो तो फेल तो मुझे तो निकाल दिया जाएगा ना. मैंने कहा मुझे क्यों निकाल रहे, वो डॉक्यूमेंट किसी और ने साइन करके दिया था. तो एनसीएलटी ने कहा प्रूफ दो, क्यों किसी और ने दिया था, क्या मैं प्रूफ कर पाई? नहीं. जब मैं प्रूफ नहीं कर पाई तो मुझे निकाल दिया जाएगा, ठीक है. अगर सच में किसी ने मेरे बिहाफ में किया हो, मैं नहीं, मेन है बच्चा प्रूफ. तो ये फेल हो गया इसलिए उसका रेजिग्नेशन भी हो गया. क्लियर है? तो बस ऐसा केस है. हाँ कि भाई आया कैसे, मेल कैसे आया, सॉरी मेल बोल रही, ये लेटर कैसे पहुंचा, है ना, खुद आया, मेल दिया, मेल किसी और ने यूज किया. मैंने कहा कि यार पासवर्ड तो मेरे पास था, किसी और के पास तो था नहीं. अब किसी ने अगर पासवर्ड लेकर कर दिया, नहीं पता, नहीं प्रूफ कर पाए, फंस गए, ठीक है. अब बच्चा सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ चुके हो, दूसरा क्या पढ़ा, वेकेट करना, खाली करना, फिर क्या पढ़ा अभी, रिजाइन करना, लास्ट टॉपिक क्या है, रिमूव करना. चलिए कौन रिमूव कर रहा है, सेक्शन 169 शोल्डर रिमूव कर रहे. अगर बच्चा शोल्डर किसी को रिमूव करना चाहते, कुछ स्पेशल नोटिस पढ़ा था हमने. तो मुझे बताओ अगर किसी को निकालना है, शोल्डर अगर निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते थे, वो किसको नोटिस देते थे, कंपनी को, फिर कंपनी क्या करती थी, अरे एकदम से रिमूव नहीं करती थी, बाकी सारे ये सारे शोल्डर उठ कर आते हैं, इस डायरेक्टर को रिकंटिन्यू नहीं करने देंगे, ठीक है. तो कंपनी कहती थी रुको सबको तो बता दूं, मैं सबको बताया जाएगा, एक मीटिंग होगी, लेकिन पहले मीटिंग होने से पहले तुम्हारे घर पर पहले मैं उस डायरेक्टर को बताऊंगी कि डायरेक्टर आपको निकालने की बात चल रही है, आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में, तो वो जो भी बोलेंगे आपके घर तक पहुंचाया जाएगा. अगर टाइम है तो घर तक पहुंचा दिए इंडिविजुअली, टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर पब्लिश, वो भी टाइम नहीं मिला तो मीटिंग में रीड किया जाता है पूरा. याद आया, इतनी डिटेलिंग पड़ी थी, मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा, मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा, ऐसा वर्ड था, रीड आउट किया जाएगा. जाओ देखो उसमें एक बार, याद आएगा, है ना, याद आया, हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूं उसका कंटेंट, उसका रिप्रेजेंटेशन रीड किया जाएगा, ठीक है, रीड आउट किया जाएगा कि हाँ उसका कहना ये. अब आप बताइए आप उसके बाद से, है ना, कन्विंस हुए कि नहीं हुए, निकालना है क्या तब भी, फिर उसके बाद आपके ऊपर बात छोड़ दी जाती है. क्लियर है? आओ फटाफट. अ कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव द डायरेक्टर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर इसे निकाला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना हम उसे नहीं निकाल सकते डायरेक्टर को जो डायरेक्टर किसने अपॉइंट किया है, ट्रिब्यूनल ने. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकाल सकते हो, नहीं. टाइम से पहले निकाल सकते हो, नहीं. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूरेशन कितना होता है मुझे बताओ, रीअपॉइंट हो सकता है, क्या थी कंडीशन, एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप कभी भी निकाल तो सकते नहीं है, लेकिन अब उसके 5 साल हो गए पूरे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर रहे हो सेकेंड टर्म में, कर सकते हो ना, थर्ड टर्म में भी कर सकते हो क्या, नहीं, उसके बाद तो नहीं, फिर तो 3 साल का गैप, ठीक है. चलो अब आपको अपॉइंट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसमें, सेकेंड टर्म में, जो भी हमने 149 के 10 में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है. रिमूव बाय ओनली द स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब अगर आपका एक टर्म हो चुका है, रीअपॉइंट हो गया, यहां पे लिखा है रीअपॉइंटेड सेकेंड के लिए भी अपॉइंट हो गया है, सबने एसआर पास करके दोबारा भी उसे अपॉइंट कर लिया, लेकिन अब उसके काम से आप खुश नहीं हो तो निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे. इन्होंने कहा एसआर ही पास करना, लेकिन आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड. अपॉइंट हो गया है, 5 साल कंप्लीट, आज आपके सामने खड़ा था, आपने हां बोल दिया, लेकिन अब 2 साल बाद आपको रियलाइज होता है नहीं है, ठीक नहीं है, तो अब आप एसआर मीटिंग बुलाओ, एसआर पास कराओ और उसको निकाल सकते हो टाइम से पहले, लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं निकाल सकते, कब निकालोगे, सेकेंड टर्म में. क्लियर है?
कि भाई हमसे गलती हो गई. रिमूवल शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, ये कुछ सुना सुना से लग रहा है. कली की क्लास में पढ़ा था माइनॉरिटी, वेरी गुड. माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर अपॉइंट होते थे, याद है. इन्होंने अपना एक डायरेक्टर बैठा दिया, मेजोरिटी ने मिलकर इनको निकाल दिया. निकाल सकते हैं क्या? नहीं. साफ साफ बोला है शोल्डर मिलके डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं ओआर पास कर, लेकिन उसको मत निकालना जो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, उसको भी मत निकालना जो प्रोपोर्शनल. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी नहीं निकाल सकते पहले टर्म में, दूसरे टर्म में निकाला जा सकता है. दूसरे टर्म में भी अपॉइंट हो गया है, टाइम से पहले निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एसआर होगा, ओआर नहीं होगा. ये बोल रहे ना ओआर से हो जाएगा काम. 51% शेयरहोल्डर मिलकर किसी को भी निकाल सकते हैं डायरेक्टर को, लेकिन ट्रिब्यूनल वाले को नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं. लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकेंड टर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ओआर से काम नहीं चलेगा आपको, एसआर. क्लैरिटी है? हाँ, नॉमिनी वाला भी ठीक है, गुड. प्रोसीजर कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस क्या होगा, खुद से दिमाग लगा. अभी जो मैंने अपनी पूरी डिटेलिंग बताई, स्पेशल नोटिस याद आया, नोटिस नहीं लिखना, स्पेशल नोटिस. प्रपोजिंग दी ओआर पास करना है, डायरेक्टर को हटाना है. फॉरविथ मतलब क्या था? तुरंत, इमीडिएटली. कॉपी किसको भेजी जाएगी? डायरेक्टर को, भाई तुम्हें निकालने की बात हो रही है. मीटिंग बुलाई जाएगी, जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो 21 दिन पहले नोटिस. नोटिस में फैक्ट लिखा होगा, रिप्रेजेंटेशन बाय दी डायरेक्टर, कि डायरेक्टर अपनी जो बातें रख रहा है ये बात लिखी होगी. हर मेंबर को इंडिविजुअली दिया जाएगा. रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट हो गया, नहीं दे पा रहे हैं, नॉट सेंड टू इंडिविजुअल, तो उन्होंने क्या बोलते, रीड आउट, यही वर्ड लिखा था वहां पे भी जब पढ़ोगे, रीड आउट किया जाएगा मीटिंग में. एनसीएलटी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी अग्रीव्ड मे डिस्पेंस विद द प्रोसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. याद करो हमने ये भी पढ़ा था कि मीटिंग में रीड करना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, इसको मौका देना अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर एनसीएलटी को रिक्वेस्ट करो, एनसीएलटी उसको रिप्रेजेंटेशन करने देगा नहीं. ये भी हमने पढ़ा था जनरल मीटिंग में. लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? नोटिस देगी. अगर लिस्टेड कंपनी है तो 24 घंटे के अंदर बताएगी क्या क्या कैसे कैसे इवेंट. लिस्टेड कंपनी को तो साफ बोल दिया तुम्हें तो एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं. 24 घंटे के बाद क्या रिजल्ट आया, उसको वापस रिकंटिन्यू करने दिया जा रहा है कि नहीं, सब बताओ. ठीक है, मीटिंग हो रही है और ओआर पास हो रहा है, क्लियर है. नेक्स्ट कॉपी डीआईआई 12 क्या था? अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, सबका ऑल राउंडर फॉर्म है. ठीक है, अटैचमेंट में क्या दोगे? रेजिग्नेशन, चल क्या रहा है ये, रिमूव. और इन्होंने क्या डाल दिया, मतलब इसके अटैचमेंट में होता है, मैंने बताया नहीं, ऑलराउंडर फॉर्म है तो रिजाइन भी करना है तो इसी से करना है. सीज हो रहा है, इंटरेस्ट बताओ, तो ये ऑलराउंडर अटैचमेंट में और भी लिस्ट होती है. ठीक है, इन्होंने बस बता दिया. डिजिटली कौन साइन करता है? डायरेक्टर खुद. पहले मैंने ओल्ड बताया था, याद करो, पहले प्रोफेशनल बंदा करता था, अब कौन करता है? डायरेक्टर खुद ही डीएससी करता है, लेकिन उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाता है बाय दी साइन डिजिटली डायरेक्टर. और इन्होंने बोलते ऑल्सो सर्टिफाइड, या फिर सीएस, या फिर सीए, या फिर कॉस्ट अकाउंट, लेकिन प्रैक्टिस है. पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर अदर एस्पेक्ट मॉडिफाई कर लेना भैया. रजिस्टर में लिखोगे ना, अभी हट गया, कोई नया आ गया, वट एवर. पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में भी डाल दो, इस डायरेक्टर को हमने हटा दिया. क्लियर है प्रोसीजर? पक्का? क्या बोलता है एनसीएलटी? अपनी मर्जी से एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, पढ़ा था, तो उसे कोई और निकाल सकता है क्या? अपॉइंट एनसीएलटी ने किया है तो निकालेगा भी कौन? एनसीएलटी. बस यही लिखा है. सेक्शन 241 क्या था बताओ? जब एनसीएलटी अपॉइंट करा था तब भी 241 था उसमें. जाओ, वेरी गुड, जाओ 241 में जाओ, अपॉइंट करने का इसी में था ना, इसी में. मिसमैनेजमेंट क्या वर्ड था? क्या था? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए एनसीएलटी ने अपॉइंट किया था, तो उसी के लिए एनसीएलटी क्या करेगा? अपनी मर्जी से रिमूव भी कर सकता है. ठीक है, चलिए एक केस है बच्चा. केस में क्या लिखा है? ओमिशन ऑफ द स्पेशल नोटिस टू डायरेक्टर्स. प्रोसेस क्या बोलती है? अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है तो पहला काम क्या होगा? कुछ शेयरहोल्डर ने रिक्वेस्ट भेजी कंपनी को, कंपनी क्या करती है? तुरंत डायरेक्टर को भी बताती है और फिर मेंबर्स को, फिर सारी के सारी बात होती है. इन नलायकों ने क्या किया? डायरेक्टर को स्पेशल नोटिस नहीं दिया, डायरेक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है कि आपको कंटिन्यू नहीं करने देना है, और आगे चलकर क्या कर दिया उन्होंने? रिमूव कर दिया. सही किया कि गलत किया?
गलत किया, साफ साफ बोल दिया कि भाई आपने लॉ को सही तरीके से नहीं लिया है, ये एक तरीके से बैड माना जाएगा, बैड मैनर्स माना जाएगा इन लॉ, गलत माना जाएगा इन शॉर्ट, वो ये कहना चाह रहे, क्लियर है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट तो हमेशा देना ही होता है। अरे मरने वाले से भी तो आखिरी इच्छा पूछ लेते हैं, इच्छा पूछते हैं, है ना। चलो यहाँ पे ये पूरा डायरेक्टर चैप्टर होता है ओवर। नेक्स्ट क्लास किसकी लगेगी? अब सेटिंग अप की क्लास लगाऊंगी अब कल से, ठीक है बच्चा।